नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अविनाश। कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल का 42वां मुकाबला दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये मुकाबला जहां प्लेऑफ में जाने का एक मौका है, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के गर्दन पर तलवार लटकने जैसा ये मैच है। मतलब कि यहां से अगर हारे तो समझ लीजिए कि बाकी टीमों के लिए खुशी की बात होगी और प्लेऑफ की रेस में प्रबल दावेदार का तमगा केकेआर से लगभग हट जाएगा। इसी दिन आईपीएल का 43वां मैच किंग्स इलेवन पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच भी खेला जाएगा। यही तीन टीमें ऐसी हैं जो चौथे पोजीशन के लिए इस समय लड़ रही है, यानी कि प्लेऑफ में जाने वाली चौथी टीम बनना चाहेगी। दिल्ली कैपिटल्स के इस समय 14 अंक है, 10 मैच खेल चुकी है ये टीम, साथ ही टॉप पोजीशन पर काबिज भी है। मगर केकेआर के साथ ऐसा नहीं है। टीम ने 5 मुकाबलों में जीत दर्ज की है और 5 मुकाबलों में केकेआर को हार का मुंह देखना पड़ा है। जिस तरह केकेआर को पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था, टीम का मनोबल साफ तौर पर टूटा होगा। ओएन मॉर्गन की कप्तानी वाली केकेआर की टीम हर हाल में इस मैच में जीत दर्ज करना चाहेगी, वरना प्लेऑफ का सपना दूर होता जाएगा। आपको बता दें, पिछले मैच में आरसीबी से केकेआर का सामना हुआ था और इस मैच में बुरी तरह से केकेआर की टीम हारी थी। विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी की टीम ने कोलकाता को 8 विकेटों से रौंदा था और 7वीं जीत दर्ज की थी। इस मुकाबले में केकेआर के कप्तान योन मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन कप्तान मॉर्गन के इस फैसले पर विपक्षी टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने पानी फेर दिया। सिराज की शानदार गेंदबाजी के आगे कोलकाता की टीम 20 ओवरों में 8 विकेट गंवाकर महज 84 रन ही बना सकी थी और आरसीबी ने 8 विकेटों से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स का जिक्र करें तो किंग्स इलेवन पंजाब से पिछले मैच में टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा, पर शिखर धवन यानी कि गब्बर का बल्ला इस मुकाबले में खूब चला था। शिखर धवन ने आईपीएल में लगातार दूसरा शतक ठोका। 164 रन दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने स्कोर बोर्ड पर लगाए थे और धवन ने इस मुकाबले में 106 रनों की नाबाद पारी खेली थी, पर बाकी के बल्लेबाज फ्लॉप साबित हुए और इसी वजह से किंग्स इलेवन पंजाब को मात्र 165 रनों का टारगेट मिला था। पंजाब की टीम ने इस मैच में निकोलस पूरन के अर्धशतक के दम पर मैच अपने नाम कर लिया था। केकेआर को सबसे ज्यादा इस मुकाबले में खतरा शिखर धवन और रबाडा से होने वाला है, क्योंकि शिखर धवन लगातार 2 शतक ठोक चुके हैं, साथ ही रबाडा ने सबसे ज्यादा 21 विकेट अब तक अपने नाम आईपीएल में कर चुके हैं। आईपीएल 2020 में रबाडा इस समय पर्पल कैप होल्डर है। पिछली बार जब दोनों टीमें आपस में भिड़ी थी तो दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को रोमांचक मुकाबले में 18 रनों से हराया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मैच को जीतकर दिल्ली कैपिटल्स की टीम प्लेऑफ में जगह बना पाती है या फिर केकेआर की टीम प्लेऑफ की तरफ ये मुकाबला जीतकर अग्रसर होती है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।